हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। पारस छाबड़ा के टैटू वाले बयान को सुनकर गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी को लगा बड़ा झटका। कहा, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूं। बिग बॉस के घर में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इस घर में इंसान की असली पर्सनालिटी ही निकलकर सामने आती है, ये बात 100% सच है। घर में होने वाले अलग अलग टास्क और लोगों के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं के सामने कोई भी ज्यादा दिन तक फेक चेहरा नहीं दिख पाता। ऐसा ही कुछ लगता है बिग बॉस 13 में पारस छाबड़ा के साथ भी हो गया है। तो उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार में है। लेकिन बीते दिनों पारस छाबड़ा के एक बयान को सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी भी पूरी तरह से शॉक्ड है। एंटरटेनमेंट पोर्टल स्पॉटबॉय की रिपोर्ट की माने तो आकांक्षा ने पारस के इस बयान पर कहा है, मेरा मन अभी इस स्थिति में नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बयान दे सकूं। मैं अब सिर्फ पारस के बाहर आने का इंतजार कर रही हूं। दरअसल बीते दिनों रश्मि देसाई के बॉयफ्रेंड अरहान खान ने रीएंट्री के साथ ही पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी की बात डिस्कस की थी। उन्होंने उनके टैटू को लेकर भी बात की थी। इस पर पारस ने कहा था कि उन्होंने वो टैटू अपनी गर्लफ्रेंड के दबाव में बनवाया था क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती है। इस पर जब अरहान खान ने कहा उन्होंने किसी को खुशी देने के लिए अपने शरीर पर क्यों कुछ करवाया, तो इस पर भी पारस ने कहा था कि वो उन्होंने ऐसा पूरा सोच कर बनवाया है। इतना ही नहीं, जब अरहान ने पारस को बताया कि वो उन्हें बाहर बहुत सपोर्ट कर रही है, तो इस पर पारस ने कैजुअली कहा कि कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन पारस का कैजुअल अंदाज और टैटू वाला बयान सुनकर सभी शॉक्ड हो गए हैं। ऐसे में आकांक्षा पुरी भी काफी हैरान है। ताजा रिपोर्ट की माने तो अब शो से पारस छाबड़ा इविक्ट हो गए हैं। हालांकि अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं हो पाई है क्योंकि रिपोर्ट की माने तो पारस छाबड़ा के इविक्शन में एक ट्विस्ट ऐड है और वो ट्विस्ट ये है कि पारस छाबड़ा अब सीक्रेट रूम में जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।